एक तरफ योगी और मोदी सरकार रहने के लिए गरीबों को छत देने का काम कर रही है, जिसके लिए सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे भेज रही है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जो जियो टैग करने के नाम पर एक मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ के उन्नाव से सामने आया है, जहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी आवास के नाम पर जमकर अवैध वसूली कर रहा है। दरअसल विकासखंड ब्लॉक हसनगंज इलाके की ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया में सुरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी प्रशांत शुक्ला पर 50,000 रुपए मांग करने का आरोप लगाया है। लाभार्थी ने यह भी ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाया कि पैसे नहीं दिए तो आवास काट दिया जाएगा और भविष्य में आवास के लिए वंचित रहेंगे। इसको लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लगातार पैसों की मांग की गयी। हमारा पीएम आवास आया था, जिसमें प्रशांत शुक्ला जी ने जो है 50,000 रुपये मांगे, 50,000 रुपये मांगे और उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो मैं वो आवास आपका हटा दूंगा। और उन्होंने हमें पात्र होने के बाद में उन्होंने जो है पात्र के आगे में अच्छा लिख दिया, जो कि अपात्र कर दिया। उसमें भी जो है लिस्ट मेरे पास है और उन्होंने एक हमसे बात की, उसके बाद उन्होंने जो है हमसे कहें 50,000 रुपये अगर नहीं दोगे तो मैं आवास काट दूंगा, उन्होंने काट दिया। उसके बाद में जो है इन्होंने क्या किया, मुझे गाली गुफ्तारी भी की और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने गाली दी। उन्होंने कहा जो चाहूँगा मैं करूँगा और 50 गांवों का मैं मालिक हूँ, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को गंदी सी गाली दे के उन्होंने संबोधन किया और हमें भी धमकाया कि अगर तुमने कहीं ये बात अगर रिकॉर्ड की तो सोच लेना मेरे जानने वाले फरीदपुर मंडी में बैठते हैं सीओ साहब, उनको मैं उनसे जो है पिटवाऊंगा और अरेस्ट करवाऊंगा। पीड़ित सुरेंद्र सिंह चक्कर पर चक्कर काटता रहा, लेकिन उस मजलूम असहाय बेसहारा गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। निराश होकर हसनगंज ब्लॉक प्रमुख को एक शिकायती पत्र भेजा और आवास दिलाने की मांग की।